इसके बारे में कुछ ये तो कुरान से देखेंगे ना, दिखा दूंगा कुरान। देखिए अगर आप सिक्स हो अलार्म सिक्स, इन्होंने एक चीज ये बयान करने की कोशिश की है, देखिए सिक्स जो है, मैं आपको दो तीन आयतें बताऊँ इसके जवाब में। सिक्स आयत में आप सूरह नाम सिक्स और वन वन सिक्स आयत है, सूरह नाम सिक्स वन वन सिक्स, अल्लाह कहता है वह इन तुतियर अक्सर मन फिल अर्थ, अगर तू इताद करेगा जो कोई जमीन में अक्सरियत है, युदिलु कान सबीलिल्लाह, वो गुमराह कर देंगे तुझे अल्लाह के रास्ते से, तो अक्सरियत जमीन पर कयामत तक ऐसी रहेगी कि मेजॉरिटी विल बी ऑन अ स्ट्रे पाथ, दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रेइंग यू एंड मी। अल्लाह कहता है वहीन तुते, अगर तू इताद करेगा अक्सरा अक्सरियत मन फिल अर्थ, जो कोई जमीन पर युदिलु का, वो तुझको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। अब ये एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि दुनिया में मेजॉरिटी वर्ल्ड के अंदर दे विल बी ऑन द स्ट्रे पाथ, अल्लाह वो नजर नहीं आ रहा, अल्लाह की आयत वेरीफाई हो रही है ऑन द ग्राउंड कि उसने अपने सिस्टम ऐसा बनाया कि मेजॉरिटी दुनिया में एस्ट्रे रहेगी, एक पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, यही होगा जैसे लिखा हुआ है, ये हम ये आयत को मानते हैं। नहीं, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में मेजॉरिटी घूम रहा है, हम यही देख रहे हैं ना, यही हो रहा है, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं। हाँ, यही कह रहे हैं कि घूम रहा है ना, गुमराह कर देंगे वो तुम्हें, गुमराह कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी जो घूम रहा है, इसका मतलब ये हुआ मेरे, जी जी जैसे आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इस आयत को मैं दिल से नहीं मान रहा। तो मान रहा हूँ, आप मान रहे हैं ना, मैं क्या मान रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा ना, मैं क्या मान रहा हूँ, अल्लाह ताला कहते हैं, मैं क्या मान रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं ये मान रहा हूँ कि जमीन पर मेजॉरिटी लोगों गुमराह करती रहेगी कयामत तक, क्या तक, ये मैं मान रहा हूँ, ये मैं भी मान रहा हूँ। अब अगर आप ये जो सवाल कर रहे थे कि अल्लाह मजबूर नहीं, अल्लाह ने जो लिख दिया वही हो रहा है, अल्लाह ने जो लिख, अल्लाह ताला तो खुद कह रहे हैं कि ये हुक्म ये है, अक्सर ये नहीं होगा। हाँ, तो वो मजबूर तो नहीं हुआ, वही हो रहा है, अल्लाह मजबूर लाचार नहीं, उनका जवाब ये मैंने, मजबूर लाचार नहीं, अल्लाह ने जो लिखा हुआ एग्जैक्टली वही हो रहा है, एग्जैक्टली। तो इसके माने अल्लाह मजबूर लाचार नहीं है, वो चंद लोग ही समझ पाएंगे, उस बात उनका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उनका सवाल ये था कि इसमें मुझे अल्लाह मजबूर नजर आ रहा है कि दुनिया में जब उसके सिस्टम को लोग फॉलो नहीं करें, उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि मेजोरिटी जो है वो गुमराह रहेंगे, ये उसका सिस्टम में लिखा, अल्लाह ताला ने ये कह दिया, ऐसे ही होगा, ऐसे होता रहेगा। हाँ बस, तो मजबूर थोड़ी हुआ, वो तो अपने कामयाब है, इसका कौन कामयाब, अल्लाह जो उसे लिखा वही हो रहा है। तो जब ऐसा होगा तो उसने एस्टैब्लिश कर दिया, तो फिर जब मेजॉरिटी उस सिस्टम के मुताबिक घूम रहा है तो फिर वो सजा नहीं मिल जाएगी। वो उस ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें गुमराह मैं बना रहा हूँ, उसने सूरह यासीन में शैतान को ये कहा कि ऐ बनी आदम, वो पढ़ लो, वहां भी लिखा है, शैतान को कहा ना उसे। ये जो मैंने रेफरेंस दिए ना कि परवेज साहब के, परवेज साहब ने इतनी कलेक्शन की है ना मुख्तलिफ जिल्दों में, तो मुझे वो अंडरस्टैंड होता है कि उन्होंने जैसे आपने फरमाया ना, शुरू में एक आयत यहाँ आई है, दूसरी तीसरे पारे में आ गई, चौथी आखिरी में आ गई, वैसे जो दो चार उन्होंने वो सारी इकट्ठी करके एक जगह रख दी और वो मुझे समझ आ गई ये कुरान में ये चीजें हैं। अब ये जो आप मिसाल दे रहे हैं कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं तो वो होता रहेगा, मुझे होता रहेगा, तो फिर मेरा क्या यकीन हुआ भी अल्लाह ताला, मेरा पे यकीन क्या होगा, मेरा जाती यकीन ये है कि मुझे मालूम है कि मुझे उस ग्रुप में नहीं होना है, कि मुझे गुमराह नहीं रहना है, वो मुझे गुमराह कर देंगे। वो तो अब इसका मतलब ये होगा अल्लाह ताला को ये पता है, अल्लाह ताला को ये पता है, और अल्लाह ताला को ये भी पता है कि चंद लोग मेरे इसका तो मुझे आइडेंटिफाई करने के वेयर आई एम, दिस इज बुक फॉर योर आंसर शीट, ये आइडेंटिफाई यहाँ कर लें आप,
इट इज नॉट दैट वी हैव टू ब्रिंग समथिंग, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन. द एग्जामिनेशन हॉल में बैठे में किताब खुली हुई आपके सामने, इसमें लग रहा हमने इसमें तुम्हारा जिक्र है, किताब हमने नाजिल के लिए इसमें तुम्हारा ही जिक्र है. ये आपकी आंसर शीट भी है, रिजल्ट भी अनाउंस कर रही है आपका. तो मैं आज से ही देखना शुरू कर दूं ना, मैं कहां खड़ा हूं. अच्छा देखिए, एक और देखिए, एक और सूरह 34 उसी 45 में लिखता है, वकذب الذين من قبلهم, झुठलाया लोगों ने, मतलब तुम इन लोगों से पहले, ये जो लोग अब हैं इस पर, उनसे पहले लोगों ने झुठलाया. वमा बलगु मिशारम आतेनाउ, हमने उनको ये जो झुठला रहे हैं इनको दसवां भी दिया जो पहले दिया था, 1/10. यू हैव नॉट, मतलब हम प्रेजेंट टेंस के लोगों को अल्लाह कह रहा है मैंने दसवां भी नहीं दिया जो पहले के लोगों को दिया था, 1/10. ये देखिए, वमा बलगु मिशारम आतेनाउ फकद्दबु रुसुली, उन्होंने झुठलाया रसूलों को. फकैफ काना नकीर, मैंने इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, एंड देयर प्रेसिडेंट्स रिजेक्टेड द ट्रुथ, दीज हैव नॉट रिसीव्ड 1/10, दसवां हिस्सा ऑफ व्हाट वी हैव ग्रांटेड टू दोज बिफोर. तो हमारे पास जो इसका मैसेज का जो कंसेप्शन है, जैसे वो पूछता है यस अरुणा का नहीं रूह, दे आस्क यू कंसर्निंग द रूह, द एसेंस, कुल रूह में नाम रे रब्बी, कह दो रूह जो अल्लाह के ऑर्डर से, मा वमा उतीतु मिन अल इल्म इल्ला कलीला, इस एसेंस का, रूह का जो एसेंस है लोगों को कलील है. तो वो 10th भी नहीं दिया अल्लाह कह रहा है जो पहले के लोगों को दिया था. सॉरी, पहले लोगों को कोई, अब के लोगों को जो ये डिफरेंस है इसका, इसके अंदर जो तो मुख्य चीज आई कि पहले को क्या दिया था, कहाँ है, मतलब आप जो बात कर रहे हैं कि पहले आपसे आपके बारे थे आपके दादा, उनको ज्यादा मिला आपको कम मिला, और आगे जाएंगे हर जमाने में ये कम हो रहा है. आप करोड़ों साल पीछे मत जाएं, हमसे पहले जो बात हो रही है, झुठलाया लिखा है, वकذب الذين من قبلهم, झुठलाया उनसे इन लोगों से पहले लोगों ने. वमा बलगु मिशारम, जो झुठलाते आए हैं पहले से ये लोग जो है आज जो प्रेजेंट है झुठला रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं. वकذب الذين من قبلهم, इनसे पहले लोगों ने भी झुठलाया. प्रवेश साहब यही कहते हैं, प्रवेश साहब यही कहते हैं कि जब हम कुरान को पढ़ते हैं जी जी, और उसका जो हम लोग समझते, ये ना समझो कि वो 1400 साल वाली कौम को वो कह रहे हैं, नहीं, वो हम पे लागू होता है, वो लागू है, हमसे ही खिताब कर रहा अल्लाह ताला, तो फिर हमसे ही कह रहा है. अब ये जिसने ये कहा था कि मुकाबले का, ये मुखातिब कौन है, प्रेजेंट है, जो भी है, ठीक है ना, मुकाबले हैं कबले, बिफोर आजकल के लोगों से पहले पहले. तो ये चूंकि किताब हमेशा से मौजूद है, ठीक है, अभी के लिए आप तो हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, तो लेट्स से जब ये बिगिनिंग में जब ये कैसे इसको इंटरप्रेट हुई होगी, जब ये किताब इंटरप्रेट तो हो नहीं सकता. नहीं, अच्छा शुरू में जब ये शुरू में जब मिली. आपका नाम क्या है? तौफीक. तौफीक साहब, मैं एक बात करूँ आपसे. देखिए, मैं एक चीज करूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ. नहीं नहीं, आप मुझे आयत रेफर करें, जो आप कहेंगे वो एज्यूम कर रहे हैं कि पहले क्या हुआ. मैं क्यों जाऊँ करोड़ साल पहले अजम्पशन में बैठूं, मेरे को कोई आयत बताएं जो आपके लिए, प्लीज सुन ले, मेरी बात नहीं, बता रहा हूँ, अज्यूम कर रहे हैं कि जो पहला आदमी आया है, पहले लोग आए, वो जब पढ़ रहे थे उनके लिए आयत कैसी हुई, क्योंकि आप कह रहे हैं किताब हमेशा से मौजूद है. मैं नहीं कह रहा, मैं तो अल्लाह की आयत बता रहा हूँ कि ये किताब एग्जिस्ट करे या कहे, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप उसको डिनाई कर दे, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने. किताब हमेशा से मौजूद थी, मैं इससे समझने की कोशिश. आप इससे नहीं समझ सकते, जिस तरह लिखा उस तरह समझ जाए, जो लिखा हुआ है आप अपने दिमाग से नहीं समझे, याद रखिए मेरी बात, यू हैव, देखिए जो लिखा हुआ है उसको समझे, वो लिखा क्या है, तो वो कैसे आपके दिमाग के थ्रू प्रोसेस. मैं भी बता रहा हूं अभी, एक प्रोसेस लेस लेस डाले तो आपने समझने की कोशिश की, मैं प्रोसेस समझने की, जब आपने इसको समझने की कोशिश की, मेरे को छोड़ देना, मुझे कैसे समझ आएगा. हम फिर आप एक एग्जांपल है ना, मैं हम भी कोशिश करेंगे, मैं आपके सामने वही चीज ला रहा हूं जिस तरह मैंने समझा. यहां लिखा है दालिकल किताब ला रही बफी, यस, वो किताब जिसमें कोई डाउट नहीं है, ला रही बफी इसमें कोई डाउट, हुदल मुत्तकीन, वो हिदायत है लोगों के लिए जो तकवा अख्तियार करते हैं. मैं तकवा के नहीं कर रहा कि हर आदमी अलग अलग कर रहा है, चलो हिदायत की किताब है. आपसे पूछ रहा हूँ, आपके समझ में आ रही है किताब हिदायत की, पूछ रहा हूँ आपसे, पता नहीं आपसे, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, सोचे नहीं, आपसे सवाल है, हिदायत की किताब है ही नहीं, आप बताएं, हिदायत की कोई तो है,
नहीं अभी अभी आगे क्यों पूछ रहे, सिर्फ जितना पूछा उतना पूछा, ये क्या है हिदायत, लोग जो तकवा ले उनके लिए हिदायत, उनके लिए मेरे लिए नहीं है। अच्छा आप देखिए तकवा ले लो तो फिर आपके, जब मुझे तकवा है ही नहीं तो मेरे लिए तो आप अपने आप को समझे कि मैं आउट हो गया तो ये हैव नो राइट टू आस्क क्वेश्चन देन ही इज आउट ऑफ द क्लॉक ग्राउंड। मैं वही बोल रहा हूं, यही बताना चाह रहा हूं, बात देखी भी उसने, इट इज अ गाइडेंस टू दोज हु टेक गार्ड। Now, if he says no, so he's out of the those people. He's not. He's no right नहीं to ask. So he's not no right to ask any question. समझे ना? फिर उनके उनकी भी definition आगे आ जाती है. वो फिर दूसरे लोग. आगे पढ़े ना. वो आगे वो कैसे आएगी? इन लड़ी ने कफर उस सबाऊं. बेशक जो इनकार करते उनको बताओ. बराबर उनको अलग ही. अंदर तुम अमलम तुम दोनों. उनको बताओ या नहीं बताओ वो नहीं मानेंगे. देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन लड़ी ने कफर उस बेशक जो लोग इनकार करते हैं सवा उन अलैहिम बराबर है उनके ऊपर अंदर तुम या तुम्हें उन्हें वार्न करो अमलम तुंदिरुम या तुम उन्हें वार्न नहीं करो लाई मीनू ईमान नहीं लाई। सो ये कैटेगरी भी एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में। और जब मैंने किसी आदमी को जब कॉर्नर करा इस तरह और मैंने तुम इस आयत को तुम्हें बताया जा रहा है कहना मैंने तुम नहीं मान रहे कहना मैं नहीं मान रहा मैं तुम ये आयत को फॉलो कर रहा हूं इस आयत से तुम बाहर कुरान से तुम बाहर हो ही नहीं तुम इस आयत को इनकार कर रहे हो कहना हाँ मैं इनकार करता हूँ तुम्हें बताया जा रहा है कहना हाँ मुझे बताया जा रहा है तुम नहीं मान रहे कहना हाँ मैं नहीं मान रहा तो मैंने इस आयत को तुम एग्री कर रहा हूं द स्टेटमेंट दैट इज रिटन डाउन यू आर एग्रीइंग टू द स्टेटमेंट। तो यहां पर ऐसे इनकार करने वाले बेपनाह आयते जो हर इनकार करने वाले 100% एग्री करेगा और आगे बताया दे रहा है खत्म अल्लाह वाला कुलूबी वाला समी वाला सॉरी इन पे अल्लाह मोर लगा रहा है तो जबरदस्ती लगा रहा बता रहा है पहले उसको खुद खुद मुंह से कहेगा मुझे बताया जा रहा है मैं इनकार कर रहा हूं कहेगा मुझे ये भी बताएगा और ये भी कहेगा मैं नहीं मानूंगा तो इसके माने ही एग्रीड ही अंडरस्टूड एंड ही एक्सप्लेन हर चीज समझने के बाद इनकार करता है तो अल्लाह मोहर लगा देता है उस पर। तो ऐसी पूरी किताब में जो लोग भरे हुए वो भी एग्जिस्ट करेंगे कयामत तक तो उनको भी मुझे आता है डील करना। फिर इसके सामने अल्लाह कहता है झूठे को मैं करीब नहीं आने दूंगा आप सच बोलना सीखे अपने आप से दूसरे से नहीं अपने आप से। तो मैं आपसे कह रहा हूं जो मैंने क्राइटेरिया बनाया था वो था अपने आप से झूठ बोलना खत्म किया। क्यों मैं समझाता हूं सुने बकरा सुने आप वमिन الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। लोगों में ऐसे हैं जो कहते हैं ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर और वो ईमान वाले नहीं हैं। यकीन कर ले मैंने कुरान स्टार्ट किया आज से 20 साल पहले 27 साल हो गए मुझे पढ़ता मैं ये रुक गया मैंने कौन लोग ऐसे हैं कि जो कहता है ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर और वो ईमान वाले नहीं है अल्लाह कह रहा और मैं अपने आप से कह रहा हूं मैं तो ईमान लाता हूं अल्लाह पर और अल्लाह पे भी आखिरत में ईमान रखता हूं और अल्लाह कह रहा मैं ईमान वाला नहीं। यकीन करें इस आयत को मैं कई दिन तक सोचता रहा कि मैं तो अल्लाह पे कह रहा हूं यार ईमान लाता हूं आखिरत भी ईमान लाता हूं अल्लाह कह रहा मैं ईमान वाला नहीं। सोचता रहा फिर खुद ही वही ना अल्लाह ताला डालता तुम अल्लाह को जानते हो इनके हिसाब से तो मैं तो कह रहा हूं मैं तो यार शैतान से बात करता अल्लाह ताला की कर रहा है अभी कर रहा है और यकीन करें अब समझ में आया कि मैं अल्लाह को जानता नहीं था उस वक्त। तो मैंने कहा मैंने अपने आप से सवाल जब करता रहा तो मैंने कहा मैं अल्लाह को जानता हूं कौन है अल्लाह ताला तो मेरे जहन में IDOL आइडल गॉड है जो खुद मैंने तखलीक किया हुआ क्रिएट किया हुआ माइंड में कुरान पढ़ने के बावजूद भी यही समझा हुआ है तो वो मेरा आइडल गॉड है और वो कह रहा है मैं अल्लाह पे मानता हूं आखिरत मुझे पता ही नहीं क्या है आखिरत है कि पता आखिरत आखिरत है क्या एग्जैक्टली क्या होना है आपको पता है मुझे भी नहीं पता अभी बता सकता हूं अभी इतने कंप्लीट नहीं पता मुझे तो अल्लाह का वो ईमान नहीं लाए फिर पता आगे चला कहता है युखादिउनल्लाह वल्लदीन आमनु धोखा देते हैं अल्लाह ताला को और ईमान वालों को वमा यखदाउन इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून और धोखा देते हैं अपने आस बात को अपने रब का शौरी नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कसम खुदा की अपनी बात कर रहा हूँ इस बात कि उस वक्त मुझे ख्याल हो रहा है कि यार मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूं कि मैं अल्लाह को जानता हूं मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूं ईमान वाले को धोखा दे रहा हूं मैं अल्लाह के ईमान वाला हूं अल्लाह कह रहा है ना ईमान वाले नहीं हो तुम तो अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम ईमान वाले नहीं हो तुम अल्लाह को धोखा देते हो ईमान वाले को धोखा देते हो इस बात का तुम्हें शऊर भी नहीं है यू आर नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ इट कि आई एम लाइंग टू माय सेल्फ। तो आगे कहता फी कुलूबिहिम मरद इनके दिल में मर्ज फज़ादहुम अल्लाह मरद अल्लाह ने मर्ज को और बढ़ा दिया वला वलहुम अज़ाबुन अलीम इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है बिमा कानू यक्ज़ ये अपने से झूठ बोल रहा है। दैट इज दी आयत कुरान 26 इयर्स पहले जब मैं समझा कि मैं अपने आप से झूठ बोलता हूं और यकीन करें हम क्यों नहीं बोले हम कैसे तसव्वुर कर ले हम दोजख में चले जाएंगे हम कैसे तसव्वुर कर ले हम गलत कर रहे हैं हम ये मानते ही नहीं कि हम गलत हैं।
हम मानते ही नहीं है अल्लाह की आयत क्या, हम मानते ही नहीं गलत। आप कह रहे हैं दुनिया को सही करो, मैं कहता हूँ किस पैगंबर ने सही करा किसको? कोई पैगंबर कुरान ने नहीं है, तमाम पैगंबरों ने जब मैसेज दिया तो उन्होंने कहा झूठे हो तुम, और उनकी बात ही नहीं, पैगंबरों की बात कर रहा हूँ, और कहें लाए हो तुम, और थोड़े से कलीला कलील अरबी कलील में कहते हैं मान लेते थे उनको झूठा जादूगर पता नहीं क्या क्या क्यों कहा, वॉट फॉर दे वर द मोस्ट परफेक्ट पीपल इन द नियरेस्ट ऑफ गॉड, तो उनको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? हम कौन है? हम तो यू वी आर नथिंग बिलीव मी इन द ट्रू सेंस, अगर देखें आप तो हमारे जो हम कह रहे हैं ये करना है आगे दुनिया में ये लाना है, कौन सा पैगंबर ने क्या करके दिखा दी मुझे बता दिया, कौन सा पैगंबर? मूसा सलाम और राजा हारून जो बात करो, इतने बड़ा फिरौन इतनी बड़ी किंगडम उसके कह दिया बात करो, क्या एटम बम बनना है बनाने का बना एटम बम है कहा जाए बात करो, वो कह रहे मेरे भाई को साथ कर दो, मैं वजात नहीं कर सकता हूँ तो भाई को साथ कर दिया, वैसे कोई पैगंबर है सुलेमान सलाम बोल रहे हैं दाऊद साहब पैगंबर दो है सुलेमान और दाऊद जो बादशाह है, बाकी आप मुझे बता दें मूसा सलाम है ईसा सलाम की कौन सी बात मान ली किसी ने, मुर्दे को जिंदा कर रहा है मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ कुछ भी सुना। जब ये हम कहते हैं रूह अल्लाह किसको हजरत ईसा अलैहि सलाम जी हाँ, तो ये क्रिश्चियन जो फिर होली स्पिरिट का कांसेप्ट है वो ठीक हो जाता है? नहीं, उनका जो वो उनका जो कांसेप्ट होली स्पिरिट का कुछ और है। वो क्या है? It is the spirit that I go away. अब मैं बाइबल कोट कर रहा हूँ। If I not go away, the comforter will not come into you. कह रही है कैसा आदमी? It is the spirit that I go away. If I not go away, the comforter will not come into you. I'll pray to the Father. He will send you another comforter. सही बाइबल भी तो खुश करो ना बाइबल को। बिलीव नहीं मेरा एक लव्स भी। हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं बेसिकली। कौन? बाइबल के पीछे चल रहे हैं। हाँ ये प्रूफ दूंगा ख्याल मेरा पक्का ईमान है जो मैं बात कर रहा हूँ समझने के बाद ये बात कर रहा हूँ नॉलेज किया मैंने खड़ो के क्यों देखे मूसा सलाम को तौरात दी थी इस बुक में लिखा हुआ है कि मूसा को तौरात दी तो सब बोल रहे हैं सारे सारी दुनिया बोल रही है ईसाई बोल रहे हैं यहूदी बोल रहे हैं और जनाब हमारे नाम के मुसलमान बोल रहे हैं मूसा को तौरात दी बल्कि ईसाई तो कहते हैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ इन्होंने क्योंकि कहा ज्यूज ने आप पे बंदूक रखी है यस और कहा कि खबरदार जो तुमने कुरान की बात की क्यों मूसा को अल्लाह किताब दे रहा है फुरकान दे रहा है अलवा दे रहा है सोहफ दे रहा है कलाम कर रहा है उसको 33 नाम दिए अल्लाह ताला ने कि हमने मूसा को दिए एक नहीं जानते और ना एक बताता मुल्ला वो वही बोलता है यहाँ लिखा हुआ है फिर देखिए गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क मैथ्यू लूक एंड जॉन में लिखा है जीसस प्रीच द गॉस्पल जीसस प्रीच द गॉस्पल जीसस प्रीच द गॉस्पल मार्क मैथ्यू लूक एंड जॉन कह रहे हैं और कुरान में क्या लिखा है वह यू आलिमुल किताब हम उसको इन देंगे किताब का वल हिकमत और इन देंगे हिकमत का वह तौरात हमें इसको इन देंगे तौरात का वल इंजील ईसा सलाम को ये आपको कितने नजर आ रहे हैं और हम बोल रहे हैं ये क्योंकि ईसाई बोल रहे हैं गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क एंड मैथ्यू लूक और जॉन में लिखा हुआ है कि वो गॉस्पल पढ़ा रहे थे जीसस तो आप भी वही बोल रहे हैं वही जो कह रहे हैं हम वही बोलते हैं जो वो बोलवाते हैं हमसे ये ऊपर सब चट्टे बैठे बैठे हैं सब मैंने कहा आपको क्या क्या ताकत नहीं मैंने यहाँ टोरंटो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था ये भाई जो बैठे हैं और मैंने कहा यू मुस्लिम डोंट हैव द गट्स कि अल्लाह कह रहा है भाई वाली किताब ईसा सलाम को किताब मिली वह हिकमत हिकमत दी अल्लाह ने वह तौरात दी वल इंजील क्यों कहते हो तुम इंजील जो पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड कह रही है आप बोल सकते नेवर नेवर आई एम द ओनली वन पर्सन द होल वर्ल्ड हु इज टॉकिंग लाइक दैट आप तो डरे में साहब आप बोल नहीं सकते आप तो जू वो कहता है टोरा दी थी हमारे पार्ट मैं जू और स्कॉलर से बात कर कहला शेख अगर जू एस उनका क्या होता है रवाय कहला अगर मैं एग्री भी कर लूँ कौन था मेरे से ऐसा नहीं बैठा हो कहला मैं फर्ज के लिए उससे कन्विंस हो गया मैं सारी बुक कुरान की आयतें कोट करता सारी बातों से एग्री कर ली मुझसे कहला कि मैं टेम्पल बंद कर दूँ कहला ट्रूथ अलग चीज़ है पैसा अलग चीज़ है सच्चाई अलग चीज़ है और यह पैसा अलग चीज़ है यह हम काम कर रहे हैं इस वक्त यू आर डूइंग आवर जॉब हमें इससे बहस नहीं है कि तौरात मूसा को किताब ये वाली दी है मैं ये पढ़वा था और ये मैंने अल्लाह कह रहा मूसा को किताब दी डू यू एग्री कहते यस मैं और लोग भी बैठे जो मैंने डू यू एग्री मूसा को अल्फाज दी टैबलेट कर लिया यस हर बात यहाँ से पढ़ता क्या मैंने यू आर अल्लाह कुरान यहाँ दिखाओ भाई ने बोला यू ऑल एग्री व्हाट द कुरान सेज तो व्हाई डू यू ओपन दिस ऑल टेंपल फॉर तो उनको भी मुझे आता डील करना
तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये किताब में आप ये मत है इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, तो आपका बाकायदा कैरेक्टर खोल के दिखा रहा है कौन। इफ यू वॉन्ट टू रियली आइडेंटिफाई योर सेल्फ ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अभी जो डे ऑफ जजमेंट है इसी लमे, इफ यू से दिस बुक इज नॉट फॉर गाइडेंस एंड यू आर नॉट टेकिंग गार्ड, देन दिस बुक इज नॉट फॉर यू। यहाँ अल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया, किताब जिस पर कोई शक नहीं है हिदायत है उन लोगों ने जो तकवा अख्तियार करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग इंसान हैं, आप लोग इस स्टेटमेंट सुन रहे हैं, सिंपल सवाल कर रहा हूँ, क्या ये किताब हिदायत उन लोगों के लिए है जो तकवा अख्तियार उनके लिए है? उनके लिए है, आप एग्री करते हैं? अब ये आयत के बाद मैं पढ़ता गया और 53 आयत पे गया, 53 आयत, क्योंकि मेरे जहन में किताब को समझना है, मैं टॉपिक आपके जहन में रहा हूँ, किताब को मैं समझ रहा हूँ, और 53 में मैं पहुंचा, और 53 में जाके अल्लाह ताला कहते हैं वइद आतैना मूसल किताब, हमने जब दी मूसा को किताब, वल फुरकान, और फर्क करने वाला दिया। अरबी में लअल्लकुम, आप जानते हैं अरबी, कुम कहते हैं यदि प्रेजेंट टेंस में जिस लोग बैठे हैं ना, इस वक्त हाजिर, का कहते हैं एक तू और कुम, ये जो सब लोग बैठे हैं, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम सब हिदायत पाओ। अब मैं पहले पढ़ी थी मैंने बकरा की टू खुद, अब मैं बता रहा हूं जिस तरह मैं पढ़ रहा हूं, मैंने टू पढ़ी किताब, वहां पर अपने जहन में कुरान आया मेरे, जब मैं पढ़ रहा चश्मे मेरे कुरान का लगा हुआ था, मैंने कहा कुरान की बात मैंने हटा दिया, मैंने किताब लिखा, ये लिखाई की बात हो रही है, जो किताब में लिखाई राइटिंग, इस राइटिंग के बारे में कह रहे हैं इस पर कोई डाउट ना करे, और ये लोगों की हिदायत है जो तकवा अख्तियार कर रहे हैं, हिदायत की किताब है ये जो तकवा अख्तियार कर रहे हैं, हिदायत की ये किताब है जो तकवा अख्तियार कर रहे हैं। अब अल्लाह कह रहे हैं हमने ये दी मूसा को किताब, और फुरकान भी दिया फर्क करने के लिए, हक और बातिल का फर्क करने के लिए, ताकि तुम सब हिदायत पाओ, लअल्लकुम तहतदून, ये कौन सी किताब है वो कौन सी किताब है, क्या फर्क है दोनों में? कि मूसा सलाम को जो दी जा रही किताब वो इस पर्पस के लिए दी जा रही जो प्रेजेंट टेंस में लोग बैठे हुए इस वक्त वो उससे हिदायत पाए, और वो लिखा वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, दालिक आधा नहीं है, वाओ किताब जिसमें कोई शक नहीं, जो हिदायत है उन लोगों की जो तकवा अख्तियार करते, वहां सिर्फ किताब की डिस्क्रिप्शन है, यहां वो दी किसको दी जा रही वो बताया उसने, ये नहीं कहा मूसा पढ़ेगा बैठ के पूरी किताब में, जो ये सवाल करना चाहता है अजम्पशन पे, वो कह रहा मैंने मूसा को दी किताब ताकि तुम हिदायत पाओ, और हाजिर में पता नहीं कब दी किताब, हमें क्या पता कब दी मूसा को किताब, लेकिन कह रहा ताकि तुम सब हिदायत पाओ, और कहते हैं ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है उन लोगों के लिए तकवा करते, तो मेरे लिए तो ये किताब एक हो गई एक मिनट के अंदर, और अल्लाह की किताब है, और अल्लाह क्योंकि एरा इसमें बात करता है, टाइम फ्रेम को हम समझ ही सकते, खुद अल्लाह कुरान में कहता है टाइम में गलती करेंगे, सूरह मुज़म्मिल में जाके कि टाइम को तुम सही तरह समझ नहीं पाओ, तो जिस टाइम फ्रेम में आप अजम्पशन करके बात करेंगे उस वक्त क्या हुआ था, डोंट अज्यूम, यू पॉइंट एन आयत एंड देन टेल मी कि ये कैसे उस वक्त कैसे लोग समझ रहे थे, उस वक्त नहीं मैं कैसे समझूं मैं कौन से टाइम फ्रेम में रह रहा हूं, आपको पता है कौन से टाइम फ्रेम में रह रहा है, मैं अभी आपका टाइम फ्रेम निकाल देता हूं आपके जहन से, 1400 साल इज एन इमेजिनरी इमेजिनरी, आपको पता है 1400 साल जो हमने स्टार्ट किया है इट इज एन इमेजिनरी लेट लाइन जिसका कैलेंडर है, 2000 ईयर्स का बीसी इज एन इमेजिनरी डेट लाइन, इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज नॉट ए फैक्ट, फैक्ट समझते हैं आप जैसे आसमान नजर आ रहा है फैक्ट है, तो हम अगर ये समझ जाए कि हम एक इमेजिनरी डेट लाइन से रह रहे हैं विच इज नॉट अ फैक्ट, तो पता कहीं 1400 साल निकाल दूं मैं आपके जहन से और 2000 साल निकाल दूं क्रिश्चियनिटी सन से लूनर सिस्टम के जो कैलेंडर्स बने हुए बिकॉज ऑफ डेट लाइन ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ्टर जीसस क्राइस्ट और बिफोर जीसस क्राइस्ट और लूनर कैलेंडर हटा दूं तो आप यकीन करें आप बिल्कुल हवा में आ गए, आपको पता ही नहीं आप टाइम फ्रेम में कब है, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हैं बाद में आपको पता ही नहीं है बिकॉज ऑफ द बुक, अब आप बुक पढ़ रहे हैं बैठे, ये तो आपने समझ लिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया हुआ हूं, मैंने सब असम्पशन में बैठे हुए हैं, तो व्हाई वी अज्यूम थिंग्स एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फैक्चुअल थिंग, एक फैक्चुअल एक किताब अल्लाह कह रहा है ये किताब इसमें कोई शक नहीं हिदायत है मुत्तकीन, वो तो नहीं कह रहे मोहम्मद और ईसा और सिंपल एक बात की उसने हिदायत है, और आगे जाकर कह रहा है दी मैंने मूसा सलाम को यहां पर और कह रहे ताकि तुम हिदायत पाओ, तो मेरे लिए तो ये किताब एग्जैक्टली सेम हो गई, यही दो आयतों का इसका मतलब ये बाइबल कुरान ये सब इमटेरियल है। आपका एक सवाल पूरा कंप्लीट है, ये रखी बाइबल, बाइबल भी है
मैंने पढ़ी है बाइबल, लेकिन आप मुझे याद नहीं आ रही। नहीं नहीं, पढ़ने की बात नहीं है, मैंने बाइबल में बहुत स्टडी की है। नहीं नहीं, मेरा कहना कहने का मकसद है कि मैं निकाले नहीं, कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं बताने चाह रहा हूँ, जब अल्लाह ने यहाँ लिखा किताब, तो मैंने वही किताब को जब यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन से पहचाना कि वो किताब जिसमें कोई शक नहीं हिदायत है उन लोगों के लिए, और ये किताब मूसा को दी जो हिदायत, ताकि तुम सब हिदायत हो, तो जब किताब डिस्क्रिप्शन ये दे रही कि ये किताब इज फॉर गाइडेंस, एंड मूसा सलाम को अल्लाह दे रहा है फॉर उन लोगों के लिए, तुम्हारे लिए, उन लोगों के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, यानी प्रेजेंट टेंस में जो बैठे हुए, हर जमाने के प्रेजेंट टेंस को कह रहा है कि वो हिदायत है उन लोगों के लिए। ये नहीं कहा उन लोग जो उस जमाने में जिस पर नाजिल की थी उन लोगों के लिए, नहीं कहा तुम्हारे लिए, लअल्लकुम तहतदून, उस वक्त वो तुम थे, आज हमें तुम हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये किताब, ये जब आप हाथ समझ जाएंगे तो आप उस वक्त फौरन समझा दिया, देखा आपने, क्योंकि इस वक्त पहले समझा हमने, तो फिर उस वक्त समझाए, ये उस वक्त तो अज्यूम करके ना जाए, आयत बताएं, आयत से हम समझेंगे, फिर हम पास से पहले क्या हुआ होगा, 100% जो आज समझेगा वही चीज पहले समझेगा आपको, मगर वो अगर वो सही समझेगा। अच्छा, अभी तो एक ये बात आई, अब क्या हुआ, हम और आगे चले, किताब के बारे में बात हो रही, ताकि मैं इनसे कह रहा हूँ किताब कैसे इस्टेब्लिश हो जाती है, सूरह अनाम सिक्स के अंदर उसकी 83 में, तो वहाँ पर अल्लाह ताला नबियों के नाम लेने शुरू करता है। अब मैं नबियों को एकदम, मैंने कहा ये एकदम नबियों के नाम शुरू हो गए एकदम, और फिर अजीब तरह आता है कि उनकी सीक्वेंस भी अगर आप निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते, समझ रहे, मैं उस पर नहीं लेके जा रहा, आपको सिर्फ गौर से सुनिए, मैं आप अरबी पढ़ूंगा, तर्जुमा भी कर देता हूँ, लेकिन मैं अपना तर्जुमा कर रहा हूँ इस पर। वतिल का हुज्जतुना आतैना इब्राहिम, वो थी हमारी हुज्जत जो हमने दी इब्राहिम को, अला कौमी, अपनी कौम के ऊपर, नरफाउ दरजाते मन नशा, हम जिसके चाहते दर्जे बुलंद कर देते हैं, इन रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब जो है हिकमत वाला है और इल्म रखने वाला है। और यहाँ पर हमने जो इस आयत के अंदर जो बहुत सारी बातें एसेंस, लेकिन हम इस पर फोकस कर रहे हैं, वो है प्रॉफिट इब्राहिम का नाम आया, इसलिए किसी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस पर बात किताब और प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, इब्राहिम साहब का नाम आ गया। फिर कहता है वहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने उसको ग्रांट किए इसहाक और याकूब, कुल्लन हदैना, हर एक को हिदायत दी, व नूहन हदैना मिन कबल, तो नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी पहले से, वमिन दुरियति दाऊद व सुलेमान व अय्यूब, और उसकी जुरियत से दाऊद व सुलेमान और अय्यूब, व यूसुफ व मूसा व हारून, व कदालिक नज़िर मोहसिनीन, व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, कुल्लु मिन अस्सालिहीन, अभी देखिए नाम आ रहे कंटिन्यूस नबियों के, व इस्माइल व यसा, यकीन करें जब मैंने किताब पढ़ी मेरे समय यसा कौन है, मेरे लिए इट वॉज एक अजीब चीज थी, यसा कौन है, यसा और कुछ भी मेंशन नहीं, कोई डिफाइन नहीं है यसा कौन है, वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़ल्ला अला आलमीन। तो यहाँ पर मैंने जो नाम पढ़े वो अगर आप काउंट करें वो 18 है, 18, उसमें जीसस का भी नाम है, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और यसा, यूनुस, लूत, सब 18 नाम है। एक सूरह मरियम में जाके इदरीस अलैहिस्सलाम अलग आ जाता है, नबी की बात करो, इनके बारे में अल्लाह कहता है उलाइक अल्लदीना आतैनाहुल किताब, 18 नाम के बाद ही कहता है, और 19 एक और कि ये वो लोग हैं जिसको हमने दी अल किताब, उलाइक अल्लदीना आतैनाहुल किताब, ये वो लोग हैं उनको हमने दी अल किताब, वल हुकुम, और हुकुम दिया, वल नबुवत, और उनको नबुवत दी। अब मुझे बताइए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा, कोई मैं तावील नहीं कर रहा, मेरे कैसे रहे ये, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अल्लाह ने तमाम अंबिया को किताब वही दी, वही किताब, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मूसा को कह रहा है वही किताब हिदायत मूसा को हमने किताब दी ताकि तुम हिदायत पाओ। तो वहाँ पर मैंने 53 में पढ़ा, जब यहाँ के तमाम नाम लेके अल्लाह ने बताया कि ये वो किताब है जो बुलाए के अल्लाह दीना उनको दी हमने किताब, तो मैं कोई मैसेज नहीं समझ रहा इसको मैं यहाँ पर तावील करने की, जब किताब लिखा हुआ है जैसी भी किताब की फॉर्म है, आज ये फॉर्म है, पहले कौन सी फॉर्म थी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे, कि पहले तो किताब ही नहीं थी साहब, एक जमाने तक किताब ही नहीं थी, तो लोग यू नो पीपल ट्राई टू गो इनटू इमेजिनेशन, कहते पहले तो साहब किताब नहीं, शेख साहब पहले किताब नहीं, मैंने कहा आप पहले एग्जिस्ट कर रहे थे क्या, हमारे पास जो हिस्ट्री है हम उसको बिल्कुल ऐसा समझते हैं जैसे पहले नहीं था, जब अल्लाह ने लिख दी किताब तो समझो हमेशा से किताब है,
लिख रहा किताब तो सभी किताब थी किसी फॉर्म में, व्हाई यू गेट कंफ्यूज, जब आज किताब है मेरे सामने तो पहले भी होगी। तो यार आप अल्लाह को झूठा समझ रहे हैं, झूठ लिख रहा है, पहले किताब नहीं थी, पेपरों पे लिख रहे थे लोग, कागजों पे वो पत्तों पे लिख रहे थे, कहीं लिखा अल्लाह ने पत्तों पे लिख रहे थे, कागज लकड़ी के खाल पे लिख रहे थे, कहीं लिखा, बल्कि अल्लाह कह रहा है पेपर पे तुम लोगों लेके आए हो, पेपर वर्ड अल्लाह ने कहा, अगर हम इस किताब को कागज पे नाजिल करते, तुम कागज को छू लेते तब भी तुम ईमान ले जाते। फिर कहते हैं तुमने इसको कागज पे लेके आए, तो उसे कागज कैसे कर के अल्लाह ने कागज ही पे अल्लाह कह रहा है तुम लेके आ गए, उस पर ये भी नहीं कह रहे तुम गलत लेके आए, तो पेपर पे अल्लाह कह रहा है इंसान लेके आया, लेकिन अल्लाह ने किताब नाजिल की भी है और वो महफूज है लॉ के अंदर, हमारे अंदर लॉ टैबलेट के अंदर, इंसान हमारे अंदर से किताब बाहर आई है। जिस तरह ये आई डोंट एक्सप्लेन जो लिखा हुआ है बता रहा हूँ मैं, ये 18 नबी आपके सामने मैंने पढ़े, उनको आखिरी जो क्या लाभ नबियों के नाम देखिए वो इब्राहिम, फिर इसहाक, नूह, फिर दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, फिर यूसुफ, मूसा, हारून, जकरिया, यहया, ईसा, इलियास, फिर वह इस्माइल, वह यसा, ईसा अलग लफ्ज है, यसा अलग है, यसा इसका क्या मतलब लेंगे आप? नहीं नहीं ये तो नबी भी कहते हैं, जिनको अल्लाह ने किताब दी, हुक्म दिया और नबूवत दी। अभी तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा था कि मेरे जहन में तो ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाज़िल हुआ, तो मैं पढ़ता रहा हूँ, तौरात मूसा सलाम को दी, ईसा सलाम को इंजील दी, जबूर दी दाऊद अलैहि सलाम, ये मेरे जहन में है जब मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ मैंने पढ़े तो यहाँ 18 आ गए नाम, उसमें इब्राहिम साहब भी आ गए, यसा भी आ गए और यूनुस भी आ गए, लूत, और सबको अल्लाह कह रहा है किताब दे रहा हूँ और नाम नहीं बता रहा कि जबूर और तौरात और इंजील, और ये जो हमारे जहन में तौरात का जिक्र है इसमें वो अलग है, इंजील का जिक्र है वो अलग है, जबूर वो अलग है ना, और यहाँ ये किताब दी, कुरान लफ्ज ही कहा मैंने, कुरान अलग है, कुरान अलग नाम चल रहा है कुरान में, तो जिस तरह कुरान में नाम चल रहा है उसको कुरान को हम देखेंगे तो वो कुरान अलग कुरान में आएगा। अभी तो हम किताब देख रहे थे, किताब जो हमने देखी वो तमाम अंबियों के नाम के साथ आ गई किताब, और अल्लाह कहता है कि उन लोगों ने किताब दी, हुकूमत नबूवत दी, और फिर कहता है फई यकफुर बिहा, बस अगर ये कुफर करेंगे इसके साथ, यानी जो बात हमें बताई जा रही है, हाउला ये लोग, फकत वकल ना बिहा कौमन लईसु बिहा भी काफिरीन, फिर हम उन लोगों की वकालत नहीं करेंगे, फकत वकल ना वकालत करेंगे उसके साथ उन लोगों की जो इसके साथ कुफर नहीं करेंगे। तो यानी ये बात मैंने यहाँ ही पढ़ी कि 18 नबी 19 नबी के साथ किताब हुई है, जो हिदायत है तकवा वालों के लिए, जो मूसा को दी गई थी किताब और कहा गया था तुम हिदायत दोस्त, ये मैंने आयतों की बात कर रहा हूँ एज इट इज लिखा हुआ। ये जो सवाल कर रहे हैं किस तरह का पहले कैसे पढ़ रहे थे, मैं उसमें जा नहीं रहा, मैं तो जो पढ़ लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। अब मैं पहुंचा कयामत के रोज, यानी कि जिस दिन जमीन जगमा उठेगी अपने रब के नूर से, मैं पढ़ता हूँ 39 आयत। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने टेक्स्ट बुक जो है हमारी वो हमेशा के लिए एक ही रखी है, कभी उसमें चेंज नहीं की उसमें, और ये लॉजिकल सेंस भी बनता है कि कैसे हो सकता है। वह अशरकतिल अर्दु बिनूरी रबिया, और जगमा उठेगी जमीन, वह अशरकतिल अर्दु बिनूरी रबिया अपने रब के नूर के साथ, वह वुज़िअल किताब और वज़ा की जाएगी किताब, वज़ा की जाएगी, वज़ा की जाएगी, रखी जाएगी, प्लेस की जाएगी किताब। वजी बिन नबीन, जो 18-19 नबी पढ़े थे और नबीन को बुलाया जाएगा, लाया जाएगा नबी, वह शोहदा और गवाहों को लाया जाएगा, वह कुदिया बैनम बिल हक, और लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा हक के साथ, वह हम ला यूजलमून, उन पर जुर्म नहीं की जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट आयत है वह वफियत कुल नफ्सिन, और हर नफ्स को पूरा पूरा दिया जाएगा, मा अमिलत जो उसने अमल किया, वह हुआ आलम बिमा यफालून, अल्लाह ज़्यादा जानता है जो वो फेल करते आ रहे। तो मैं ही कह रहा हूं कि कयामत के रोज जब जमीन जगमा उठेगी अपने रब के नूर के साथ, और वहां किताब रखी जा रही है, वहां पर किताब रखी जा रही है, और नबियों को जमा को लाया जाएगा, एक नबी को नबियों को जमा को लाया जाएगा, और जो गवाहों को लाया जाएगा जो इस किताब के विटनेस है,
और अल्लाह कह रहे लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, तो कौन सी किताब को आप लेंगे यहाँ पर? तो ये नबी आ गए, शोदा आ गए, 18-19 नबी नाम आ गए, किताब आ गई, हिदायत की किताब है। अब अल्लाह फिर भी इंसान नहीं मानता, तो अल्लाह ने एक जगह एक चैलेंज दिया इन लोगों को, कहा सूरह 46 उसकी 4 आयत पे कहा, कुल अरैतुम मा तदउना मिन दुनिल्लाह, कहो इनसे कि मुझे दिखाओ कि अल्लाह के अलावा तुम किसको पुकारते हो। मादा खलकू, उन्होंने क्या तख्लीक किया, मिन अल्लाह जमीन में उन्होंने क्या तख्लीक की, कुछ भी तो तख्लीक नहीं की लोगों ने। अम लहुम शिर्कुन फिस समावात, इनके पास कोई आसमानों में शराकत है जो जिनको हम पुकार रहे हैं? पुकार कैसे रहे, हम उनकी बात मान रहे हैं जो लोग कह रहे हैं? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इस किताब से थोड़ी है, लोगों किताबों से। तो अल्लाह कहता है उन्होंने अल्लाह ने क्या तख्लीक किया, कुछ भी नहीं तख्लीक किया, और ना उनके पास शराकत है आसमान और जमीन में। फिर कहता है ई तूनी भी किताबें मिन कबल हाजा, ई तूनी कहते हैं आओ मेरे पास भी किताब के साथ आओ, किताब के साथ आओ, ई तूनी भी किताब मिन कबल हाजा, ये हाजा कहते हैं इससे इससे पहले की किताब अगर है तो आओ उसके साथ। औ असारत मिन इल्म, या असार या नॉलेज के, इल्म के कोई भी नॉलेज, इससे पहले कोई अगर नॉलेज एग्जिस्ट कर रही इस, यानी कोई भी नॉलेज असार रेमिनेंट्स, असार कहते हैं उसके रेमिनेंट्स, असार इल्म के अगर इससे पहले कोई है तो लेके आओ इनको तुम सादिकीन, किताब इससे पहले अगर कोई है उसके साथ आओ, या कोई असार इल्म के कोई है वो उसके साथ आ जाओ। एक तूनी भी किताब मिन कबल हाजा, इससे पहले कोई किताब है उसके आ जाओ, या असार ले आओ इनको तुम सादिकीन, तुम सच्चे हो। तो 18 नबियों के, नबियों के साथ दिखाई मैंने किताब, किताब दिखाई, कयामत के रोज दिखाई मैंने किताब, और लोग फिर भी अगर डाउट कर रहे हैं तो कह रहे इससे पहले किताब लेके आओ अगर तुम सच्चे हो। सर ये थी 46 की 4।